ये देखिए खांड भी कितनी सॉफ्ट बनी है, देखा आपने। नमस्कार, मैं हूँ पूनम, मसाला किचन में आपका स्वागत है। आज आपने देखा खांड भी कितनी थे पतली बन सकती है और कितनी सॉफ्ट बन सकती है, तो वही हम बनाने जा रहे हैं। खांडवी खाना किसको पसंद नहीं होती, क्योंकि बहुत ही ऑयल फ्री होती है और जरा सा ही बहुत ऑयल लगता है और बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी बहुत लगती है। गुजराती कुजीन है, बहुत पसंद आता है सबको, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होने की वजह से कई बिगनर्स इसे बनाने में डरते हैं। तो सबसे पहले जो दो चार मैं आपको बातें बताने वाली हूँ वो है ये कि जब भी आप खांडवी बनाना पहले शुरू कर रहे हैं तो रेशो कम लीजिए, इससे ज़्यादा रेशो मत लीजिए, इतना ही रेशो लीजिए। दूसरा ये कीजिए जब आपका हाथ सेट हो जाए तभी आप आगे ज़्यादा बना सकते हैं। दूसरी चीज़, जब आप इसे पकने पे खास ध्यान दें कि कितना हमें पकाना है, कितना इसमें पानी का रेशो होना चाहिए और कब पका है वो, किसकी उसकी शक्ल कैसी लग रही है, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आपकी बहुत ही पतली बहुत ही परफेक्ट खांडवी बनेगी। थोड़े दिन पहले मैंने एक खांडवी बनाई थी, वो प्रेशर कुकर में बनाई थी, उसका रेशो बिल्कुल अलग होता है, तो वो भी आपको पसंद भी आई है, वो भी आप बनाएंगे, लेकिन ये मैं पैन में बनाऊंगी, अगर उससे आपको क्या पता चल जाएगा कि कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए और कितनी पकनी चाहिए, तो ये आप खास ध्यान रखें। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ एक और ध्यान दें कि जब भी आप बेसन लें, आपको कितना भी पता हो कि बेसन छना हो, लेकिन आप सामने से ज़रूर छाने, बेसन छना होना बहुत ज़रूरी है इसमें। अब यहाँ पर हमने हाफ कप, ये देखिए कोई भी आप कटोरी नाप लीजिए, ज़रूरी नहीं है मेजरिंग कप चाहिए, पर मेरे पास मेजरिंग है तो इसलिए मैं बता रही हूँ। ये कप है, वन कप है, ये हाफ कप है। हाफ कप मैंने बेसन लिया, पौना कप जिसको 3/4 कप कहते हैं दही ले रही हूँ, नॉर्मल जो हमारे घर में होती है, चाहे फेटे हुआ लें या ऐसे ही लें। 1/4 कप हम पहले पानी लेंगे और 1/2 चम्मच और पानी डल सकता है। अब इसमें आप चाहें तो अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल सकते हैं, लेकिन शर्त ये होगी कि उसे डाल के थोड़ी देर रख दीजिए, फ्लेवर आ जाएगा, लेकिन वापस आप छानिए एक बार बैटर को, तभी आप खांडवी बनाएंगे, वरना जब फैलाएंगे खांडवी तो वो थोड़ी फट सकती है, तो इसलिए या तो डालिए मत या डाल रहे हैं तो छानिए जरूर। बस कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ डालिए नमक, 1/2 चम्मच मैंने नमक डाला, उससे भी कम था, थोड़ा सा डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच पिसी चीनी, बस यही चीज़ें चाहिए, बाकी हमें तड़का लगाना है। अब इसे हम घोलेंगे, एक ही साइड घोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक बहुत होती हैं जो इस समय आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप इधर उधर मत ढूंढिए, हर वीडियो के आपके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाती है, तो बहुत सारी इससे रिलेटेड जो रेसिपी होती है वो आपको मिल जाएंगी, आप देखा कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं, इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, वो भी हमने थोड़ी ईजी ऐसी रेसिपी डाली है जिससे कम इन्ग्रीडियंट से बन जाए। ये देखिए बिल्कुल गुठली नहीं होनी चाहिए और एक ही तरफ आप फेंटते जाइए, हल्दी हल्की सी थोड़ी और डाल देते हैं। अब मैंने देखिए 1/4 कप पानी डाला था, इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, ये है, यहाँ से दिखा देती हूँ, 1/2 चम्मच और चाहिए पानी। अब देखिए कोई लम्स नहीं है, कोई गुठली नहीं है, और अगर इस वक्त आपने अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है तो आप छान सकते हैं। अब हम बनाएंगे खांडवी, इसे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इंस्टेंट बनाइए। खांडवी बनाने से पहले एक चीज़ जो इसकी तैयारी करनी पड़ती है वो बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि खांडवी आपकी बन जाए उसके बाद आप तैयारी करें। या तो आपको स्लैब पे जगह है तो स्लैब को क्लीन कर दीजिए, यहाँ पे हल्का सा ऑयल से आप ब्रश लगा लीजिए जहाँ जहाँ आप खांडवी फैलाने वाले हैं, इस तरीके से, ठीक है। एक तो ये तरीका है, अगर आपके पास यहाँ ऐसे कोई जगह नहीं है तो आपको ऐसी थाली होती है ना ऊपर किनोरे वाली, प्लेन से भी बन जाएगी पर किनोरे वाली थाली ले लीजिए और दोनों साइड से ऑयल लगाइए। दोनों साइड से इसलिए बोल रही हूँ कि हम दो थालियों में ही बना लेंगे, वरना 4 थालियाँ लगेंगी। जैसे पहले इधर बिछाएंगे, फिर हम ऐसे रख देंगे, फिर यहाँ बिछाएंगे, दोनों साइड सूख जाएंगे, ऐसे ही दूसरी थाली में भी करेंगे। तो अभी तो मेरे पास स्लैब में जगह है तो स्लैब पर मैं करूँगी। तो अब आते हैं अपन बनाने के लिए।
यहाँ देखिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें कोई ऑयल नहीं डालना, कोई पानी नहीं डालना, फ्लेम को स्लो रखना है और ये जो खांडवी का मिश्रण हमने बना के रखा है वो हम इसके अंदर डालेंगे। अभी मैं कैमरे को पूरा टाइम ऑन रखूँगी, सिर्फ आप देखिएगा कि मैं कितना उसे फास्ट फास्ट बना रही हूँ। और मेरे को कई व्यूअर्स मुझे कहते हैं कि आप ये प्लास्टिक मत यूज़ किया कीजिए, मेरे पास जो भी स्पैचुला होते हैं वो सारे सिलिकॉन के होते हैं, प्लास्टिक नहीं होते हैं। ये मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगता कि प्लास्टिक क्यों यूज़ करूँ, तो ये सिलिकॉन के हैं, आप भी ख़रीद सकते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, इन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। इस खांडवी में कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, इनो कुछ भी नहीं डालता, बस अब इसे कंटिन्यूसली हमें चलाना है। फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए और चलाते रहिए। अब इसकी शक्ल देखिए और जब ये पक जाएगी तब आप इसकी शक्ल देखें, बस इसमें आपको पता चलेगा कि वो पक रही है और कितनी अच्छी पक चुकी है। साउथ इंडियन खाना, गुजराती खाना ये बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी भी काफ़ी होता है। मैंने बहुत सारी चीज़ें डाली हैं गुजराती भी। अभी थोड़े दिन पहले मैंने रस वाला खमन डाला है, खमन तो डालते ही हैं हम, रस वाला जो साउथ इधर गुजरात में खास मिलता है सूरत साइड, तो वो भी आप देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है। कंटिन्यूसली इसे चलाना है क्योंकि ये बहुत ही फटाफट गाढ़ी भी हो जाती है, इसलिए मैं फ्लेम भी बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। यहाँ देखिए थोड़ी सी उसकी शक्ल चेंज हो गई है, गाढ़ी होना शुरू हो गई है। और मैं ऐसे फ्लैट तरीके से, जैसे आपके पास कोई भी लकड़ी का भी हो खुरपी, उससे भी आप कर सकते हैं इसे इस तरीके से कि लम्स कोई ना हो। हर तरफ से स्क्रैप करते जाइए और उसे पकाते जाइए। अब देखिए इसकी शक्ल चेंज हो गई है, इसमें शाइन आ गया है, इस बेसन में काफ़ी हद तक शाइन आ गया है। और दूसरी चीज़ ये गाढ़ा भी हो गया है। हमें कोई ऐसा डो नहीं बनाना है बिल्कुल जैसे बेलने वाला, लेकिन हमें इतना पकाना है कि गाढ़ा हो जाए और अच्छी शाइन हो जाए। ये देखिए ये कैसा हो गया, काफ़ी गाढ़ा और शाइनी हो गया है बैटर। अगर इससे हम कम पकाएंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी, और अगर ज़्यादा पकाएंगे तो बहुत जल्दी जल्दी हम बिछा नहीं पाएंगे, तो इसलिए आप खास बस इस चीज़ का ध्यान रखें। बस हो गया, ये बैटर हमारा बन गया है। ये इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, गैस बंद कर देते हैं और अब यहाँ आइए। ये देखिए हमने ऑयल पहले से ही लगा रखा था ना, ये बहुत इजी हो गया ना, ये ऐसे पतली पतली फैलानी है।
यहाँ देखिए मैंने पूरी बिछा ली है इस तरीके से। अब हमें कोई टेंशन नहीं, बस दो मिनट लगते हैं जब तक हमें बिछा लें। आप कटोरी से भी कर सकते हैं, आड़ा तिरछा भी कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें पट्टियाँ काट के उसको फोल्ड करना है। यहाँ देखिए मैंने इस तरीके से बिछा दिया है। अब हम इसे इस तरीके से लाइंस खींचेंगे, चाहे नाइफ से, पिज़्ज़ा कटर से, किसी से भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने लाइंस खींच ली हैं। अब जैसे यहाँ से मेरे को पास पड़ रहा है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। बिल्कुल भी इस वक्त घबराएं नहीं, वो 100% फोल्ड होगी। परफेक्ट। इस तरीके से आप प्लेट में रखते जाइए। और ये देखिए ऊपर से थोड़ी अनटाइडी लगती है, नीचे देखिए कितनी शाइन आ रही है। और आपको छोटे छोटे पीस चाहिए तो यहाँ पे कट लगा सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं बताऊँगी, अगर आपको फिलिंग वाली चाहिए, फिलिंग वाली से मतलब है यहाँ पर आप बिछा सकते हैं, पनीर ग्रेट कर सकते हैं, चीज़ ग्रेट कर सकते हैं, आप नारियल, ताज़ा नारियल जो होता है उसको ग्रेट कर सकते हैं, तो वो आपकी चॉइस है कि आपको फिलिंग वाली चाहिए तो तब आप ना आधे आधे में करिए, क्योंकि फिर बहुत मोटी मोटी हो जाएंगी। जो बिगनर्स होते हैं ना, पकाते अगर कम है गलती से तो वो क्या उठती नहीं है, तो ऐसे में कभी आपसे गलती हो जाए तो आप इसको ना थोड़ा सूखने दीजिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप यहाँ तक देखिएगा कि शाइन आ जाए, बस उतना हमें पकाना है। इसलिए मैंने आज काफ़ी ट्रिक्स के साथ आपको पैन में बताया है, जिससे अब आप आराम से बना सकेंगे। और एक चीज़ और होती है, जैसे हमने इसे फोल्ड करा उसके बाद हम तड़का लगाएंगे। मुझे एक गुजराती बंदे ने बताया था, क्योंकि वो मेरी बेटी के यहाँ एक बार खाना बना रहा था, उसने मुझे बताया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था उसका तड़का, कि तड़का तो हम भी लगाते हैं, सब करते हैं, पर उसने ये कहा था कि जैसे आप दिन में बना रहे हो और रात को खानी है, तो ऐसे में ना बेसन है ना थोड़ा ड्राई भी हो जाता है, तो ड्राई ना होए तो उसके लिए उसने मुझे तड़के के लिए कुछ बताया था, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। यहां से अगर छोटे छोटे हैं तो आप उसे इस तरीके से उठाइए और यहां डाल दीजिए। ये देखिए कुछ भी बगैर वेस्ट किए हुए ये आपकी खांडवी तैयार हो गई है। आधा कप बेसन से आपकी खांडवी तैयार हुई है। बाहर बहुत महंगी मिलती है और कई जगह तो मिलती ही नहीं है, कई जगह तरस जाते हैं कि खांडवी कहाँ मिलेगी, तो अब आप घर में आराम से बना सकेंगे। अब हम बनाएंगे इसका तड़का। अब हम इसके तड़के के लिए तैयारी कर रही हूँ। एक छोटा सा पैन लिया है, उसमें 2 टीस्पून के आसपास ऑयल डालिए। कुछ दाने हैं उड़द की दाल, कुछ दाने सफ़ेद तिल, कुछ लिए हैं मैंने राई दाना, ये सूखी लाल मिर्च डाल दी है, और एक पिंच डालेंगे हम हींग। यहाँ पर डालूँगी करी लीव्स। आज मेरे पास हरी मिर्च लंबी कटी हुई नहीं है, वरना वो भी आप डाल सकते हैं। स्लो फ्लेम पर इसे पकाइए। यहाँ पर मैं आपको उस गुजराती बंदे की बात बता रही हूँ, जैसे अभी तो हम लोग थोड़ी सी बना रहे हैं, बनाई भी थोड़ी सी है आधे कप की, और अभी हमारे यहाँ तो सब खाएंगे, तो मैं अभी नहीं कर रही, इसमें तड़का डाल रही हूँ। उनका ये कहना था कि जब हम ये तड़का लगाते हैं, तड़का लगाते टाइम आप क्या कीजिए, थोड़ा सा पानी ले लीजिए। जैसे हम ढोकले में डालते हैं बहुत सारा, जैसे 1 कप, तो यहाँ पे 1/4 कप तो आप पानी ज़रूर लीजिए। तड़का जब पक जाए तब उसमें गीला तड़का आप डाल दीजिए खांडवी में, तो सुबह से शाम तक जब आप खांडवी रखते हो
तो वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी और बेसन जो है ना ड्राई होगा ही नहीं। खाने में शाम को भी आपको अच्छी लगेगी। तो अगर आपको अच्छा लगे या कभी ऐसा हो सिचुएशन कि आप सुबह बना रहे हो शाम को आपको सर्व करनी है, तो 1/4 कप पानी या उससे थोड़ा और पानी डाल दीजिए, तो बेसन कभी भी आपका भी ड्राई नहीं होगा। गैस बंद कर देते हैं। यहाँ देखिए, मैंने सबसे पहले यहाँ पर नारियल का बुरादा डाला, थोड़ा सा तड़का डाला और उसके बाद मैंने हरा धनिया डाला और बारीक सेव डाला। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही पतली, बहुत ही सॉफ्ट बनी है। आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।